तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया के बीवॉक इन मेडिकल लैब साइंसेज एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों ये काफी अच्छे कोर्स है, अगर आप चाहते हैं मेडिकल में अपना करियर बनाना तो ये कोर्स आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ इस कोर्स की तमाम अहम डिटेल जो कि आपको इस कोर्स में जामिया में एडमिशन लेने में जरूर हेल्प करने वाली है। तो अगर आप इस कोर्स पर इंटरेस्टेड हैं, आप देख रहे हैं इस कोर्स को, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको इसके पथ के लिए है, इसको आप पूरा देखें। आप क्या मिलने वाला है वो भी चाहते हैं मेडिकल में अपना करियर बनाना, तो ये वीडियो आप प्लीज आप उस तक भी जरूर पहुंचा दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज कर ले, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो के तमाम अपडेट्स टाइम पर मिलते रहे। मैं यहाँ पर लगातार इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की वीडियो लगातार यहाँ बना के लेके यहाँ लाता हूँ, जो कि आपकी नॉलेज को जरूर जरूर बढ़ाएंगे। दोस्तों बात करते हैं इस कोर्स के बारे में, बी वॉक इन मेडिकल लैब साइंसेज एंड मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में। दोस्तों अगर आपको इसका फॉर्म भरना है तो आपको 550 रुपये देना होंगे, 550 रुपीज, और फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 30 जून है। तो जल्दी जाके फॉर्म भर दीजिए, अभी भी आपके पास एक हफ्ता बाकी रह गया है। दोस्तों 3 साल का ये कोर्स है, जहां पर नंबर ऑफ सीट दोस्तों जो 100 है, मतलब आपका मेडिकल जो आपका लैब साइंस है वहां 50 सीट्स हैं, एंड मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वहां भी 50 सीट्स है। तो टोटल सीट्स होगी दोस्तों 100। दोस्तों जो इस बार का टेस्ट होगा वो 5 अगस्त को उसका टेस्ट है, और टेस्ट का टाइम दोस्तों 10 बजे से 11:30 बजे तक दोस्तों होगा। इसके दोस्तों रिजल्ट जो आपको मिल जाएगा वो 29 से 30 अगस्त तक मिल जाएगा। जामिया का ये बहुत ही अच्छा पार्ट, इस बार जामिया ने अपने रिजल्ट की जो टेस्ट की रिजल्ट डेट्स है ना वो पहले से ही अनाउंस कर दिए, ताकि आपको पता रहे कि कब तक रिजल्ट आपका आ जाएगा और आप परेशान ना हो। तो ये जामिया की काफी अच्छा पॉइंट है इस बार। दोस्तों अब आप बात करते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी है, तो अगर इसमें अगर आपने क्लास 12th किया है और वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके पास थी और उसमें आपके एग्रीगेट मार्क 50% है, तो आप इस कोर्स के लिए टोटली एलिजिबल है। दोस्तों सबसे अहम पार्ट इसका रहेगा फीस। दोस्तों किसी भी कोर्स का बहुत अहम पार्ट होता है कि यही आपको बताएगा क्या, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कई बार मतलब फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती हैं, तो उसके बेस पे आप कई बार कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाते। तो उसकी फीस दोस्तों अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है तो आपको 44,300 रुपीज ईयरली पे करना होंगे, 44,300 रुपए। दोस्तों मैंने आपको बताई तमाम डिटेल जो कि आपको एडमिशन में जरूर हेल्प करने वाली है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कितनी फीस है, और इसके इसकी टेस्ट डेट्स क्या है, इसका रिजल्ट कब आएगा। आपको इसका सिलेबस देखना है तो मेरा चैनल है टेलीग्राम में, वहां पर इसका सिलेबस अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों तमाम डिटेल मैंने आपको बता दी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।